खूबसूरती देखें, इस जगह की खूबसूरती, दरिया बसिन की खूबसूरती देखें, मट्टी देखें कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, होप यू गाइस एंजॉय माय ब्लॉग। और इस जगह को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो आगे भी वीडियोस को देखते रहोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओगे, लाइक भी करते जाओगे। हाँ तो भाई, थाकोर टनल क्रॉस कर लिया है। थाकोर टनल से अभी जो है वो ऐसी ज़बरदस्त बुलाइयाँ थी ना, बाइक रोकने का दिल नहीं चाह, साथ ही पीछे रह गया मेरा, तो मेरा दिल नहीं चाह बाइक रोकने का भाई। ऐसी खूबसूरत जो है ना वो टर्निंग थी, मज़ा आ गया। अभी थाकोर को क्रॉस कर लिया है, अब यहाँ से विशान की तरफ आगे जा रहे हैं। तो जगह देखें आप कितनी प्यारी है, ज़बरदस्त जगह है। लेकिन यार बस थाकोर टनल के बाद जो बुलाइयाँ थी ना बस एंड, और हमारा साथी बस आने वाला होगा, अभी तक नहीं आया क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से आया हूँ। मैंने गाड़ी टॉप रखी हुई थी टॉप पे, और जो ना गाड़ी ऐसी कोई मज़े से चल रही थी, गाड़ी का भी दिल चाह रहा था खुद से कि हाँ भाई चलो। तो अभी तक तो नहीं आया भाई, वो टर्निंग नज़र आ रही है लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन जब तक आप नज़ारे देखो, पहाड़ देखो, वो आ गए हमारे दोस्त साथी, अब नज़र आया बहुत दूर से। चलो बस चलते हैं आगे, थोड़ा चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे और फिर आगे जाते हैं, ठीक है भाई। थाकोर के पास खड़ा हूँ अभी, ये थाकोर का बोर्ड है और ये थाकोर के साथ दरिया जा रहा है। बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है यार, ये वाला रास्ता लोग नहीं लेते पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत खूबसूरत रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़े का दरिया बह रहा है। चलो आगे चलते हैं भाई, छोटी छोटी चीज़ें दिखाता रहूँगा सब, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा इंशाल्लाह। बस इसी रोड पर चलते रहते हैं, फिर मिलते हैं आगे। और क्या अच्छी जगह लगती, मुझे तो बहुत खूबसूरत जगह लग रही है, और दरिया बड़ा ज़बरदस्त बह रहा है। आगे जाते हैं, दरिया के अंदर जो स्टॉप है उसको भी बैठते हैं, फिर आगे मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ तो भाई फाइनली जो है वो थाकोर ब्रिज पर आ गए। थाकोर ब्रिज नज़र आ रहा होगा आपको इस तरीके से, और ये थाकोर ब्रिज का ये पूरा सेटअप जो है थाकोर ब्रिज का वहाँ से शुरू है। ये मैंने वाला जो है ना ब्रिज, वो मतलब ये कि मैं ब्रिज पर भी जाता, मगर सीन ये कि ब्रिज पर जो है ना वहाँ से जाने वाले रोड पर ब्रिज पर रास्ता है, आने वाले रोड पर रास्ता नहीं है। हम जा रहे हैं इस वाले रोड से, ये हम यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, थाकोर वाले रास्ते से। अब वहाँ पर ब्रिज नहीं है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत है। गैट वाला साइड नंबर, तो वो फुगेट मत करना भाई, बाजार में दबा देना है, मज़ा आ रहा है, इंजॉय भी कर रहा हूँ सर, और साथ आप लोगों को भी घुमा रहा हूँ पूरा पाकिस्तान, जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ। शाम मैं सामने का मंदिर दिखाता हूँ, ये है भाई थाकोर, ये रहे पहाड़, और ये थाकोर का पूरा आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से पाकिस्तान टूर पे जब निकले थे तो मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारी ऐसी प्लेसेस नई नई एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो पहले बहुत कम लोगों ने शायद देखी हो, या लोग गुजरे हों लेकिन लोगों ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और लोग सीधे सीधा ये कुछ लाश और इस जगह पे निकल जाते हैं। तो वैसी ही एक और चीज़ मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, मतलब देख वही कह रहा हूँ कि देखी होगी लोगों ने, लोग गुजर जाते हैं मगर लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। मैंने भी जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको थाकोर दिखाया, थाकोर का एक दरिया दिखाया, मुझे दरिया बह रहा था थाकोर वाला दरिया, उसी दरिया से हम जब थाकोर के रास्ते से थोड़ा आगे गए और हम आगे की तरफ निकल रहे थे विशाम की तरफ, तो हमें एक और हमारे जो साथ दोस्त हैं उन्होंने कहा कि एक नई चीज़ तुम्हें मैं और बताता हूँ। तो वो जो नई चीज़ है, वो नई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये मेरे पीछे आपको एक दरिया बहता हुआ नज़र आ रहा है, यही दरिया आगे थाकोर से होता हुआ जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, ये वही दरिया है। लेकिन यहाँ पर कुछ मुझे नई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिली, तो मैंने सोचा मैं आपसे फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। गाड़ियाँ आपने देखा, हमने वो गाड़ियाँ उतारी हैं इन जंगलात से, ऊपर से जंगलात के रास्ते से उतरते 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 हम यहाँ तक पहुँचे हैं दरिया तक। अब मैं जो है ना इस दरिया को करीब से दिखाता हूँ आपको, और मैं आपको इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प सी हकीकत बताता हूँ कि इसके बारे में दिलचस्प सी हकीकत क्या है। इस दरिया का नाम है दरिया अबासीन, ठीक है, और इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ। इसमें एक बड़े मज़े की बात यह है कि ये दरिया है,
इसको आप दरियाए सिंध भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा दरिया जाकर उतर रहा है सिंध में, ये पंजाब के तरफ ये दरिया नहीं जाता। ये दरिया आ कहाँ से रहा है, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये दरिया आ कहाँ से रहा है। अब ये दरिया बसीन है, अब मैं बैठा हूँ इस वक्त ये वाले इलाके में, मानसरा से आगे वाले इलाके में, और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये दरिया इस तरह का दरिया है। ये दरिया कह सकते हैं कि आगे चिलास से, गिलगित से ये होता हुआ दरिया आ रहा है, और ये सीधा वहाँ केपी के से होता हुआ आगे सिंध की तरफ जा रहा है। तो इसको आप कहीं ना कहीं दरिया सिंध भी कह सकते हो। तो ये एक दिलचस्प हकीकत मुझे पता चली, तो जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊं और आपको इसके बारे में पूरा दिखाऊं। क्योंकि देखें यहाँ पर बहुत कम लोग, अगर हैं तो कुछ मुकामी लोग हैं जो विज़िट कर रहे हैं, वरना मतलब कोई भी हमारे यूट्यूबर्स भाई और व्लॉगर्स वगैरह जो होते हैं वो इस तरफ नहीं आते हैं। हो सकता है कि हाल थोड़ा सा एरिया ऐसा है, गुंजान सा, तो हो सकता है इस वजह से भी ना आते हों कि होते हैं बहुत से लोग डरते हैं नीचे उतरने में या आगे पीछे जाने में। तो अभी फ़िलहाल भाई ये दरिया देखते हैं, दरिया बसीन, और क्या बताऊँ इसके बारे में, बस यही है कि ये दरिया सिंध से मिल रहा है। मुझे ये सुनकर बहुत मतलब शौक लगा, एक दरिया यहाँ से जा रहा है जो पंजाब से बिल्कुल कटता हुआ जबकि सोता हुआ दरिया सिंध में मिल रहा है। तो जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने बोला आपको दरिया सिंध बोलकर भी लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकते हो कि दरिया सिंध। अब चलते हैं इसका थोड़ा सा विज़िट कर लें, थोड़ा सा इसको दिखाएँ कि ये किस तरह से जो है ना, कहाँ से आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है। अब वहाँ थोड़े से बच्चे नहा रहे हैं, हम जाते हैं ज़रा बच्चों से इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि वो कितना गहरा पानी है और क्या है। यानी कुछ फैमिलीज़, एक फैमिली भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन आप होता है फैमिलीज़ को कैप्चर करना ये मतलब आदाब के ख़िलाफ़ है, एज अ यूट्यूबर आदाब के ख़िलाफ़ है। तो क्योंकि उनसे परमिशन नहीं ली, और फिर आपको होता है यहाँ पर मौजिज फैमिलीज़ जो हैं वो थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह से थोड़ा सा कतराते हैं, तो इसलिए भी मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। तो अभी हम चलते हैं उन बच्चों की तरफ और आपको साथ साथ दरिया भी दिखाता हूँ, दरिया बसीन भी दिखाता हूँ पूरा, और उन बच्चों की तरफ भी चलते हैं और उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं अगर वो इस मूड में हुए और उन्हें उर्दू हमारी समझ में आई। क्योंकि अभी मैंने कुछ बच्चों से बात की थी यहाँ पर, तो वो कह रहे थे कि हमें उर्दू नहीं आती समझ, तो इन बच्चों से जाके पूछते हैं अगर इनके पास कुछ है तो, या इनको कुछ पता है उर्दू के बारे में, तो देखते हैं। बाकी हमारे जो मेरे साथ जो दो साथी आए हैं वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये कांगे, हाँ ये रहे दोनों, ये अपने काम में लगे हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, बाइक हमारी ऊपर खड़ी हुई है। हम चलते हैं उन बच्चों की तरफ और आपको भी लेके चलते हैं साथ साथ। यार मंज़र देखो, मंज़र बहुत खूबसूरत मंज़र है यार, ठीक है, और चलते हैं। खूबसूरती देखें इस जगह की, खूबसूरती इस दरिया बसीन की, खूबसूरती देखें, मट्टी देखें कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, होप यू गाइस एंजॉय माय व्लॉग, और इस जगह को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो आगे भी वीडियोस को देखते रहोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओगे, लाइक भी करते जाओगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि यार मैं उन लोग कुछ नई चीज़ें दिखाऊं। पाकिस्तान टूर सभी करते हैं, बट मैंने सोचा था मैं पाकिस्तान टूर ऐसा करूंगा कि कुछ नया दिखा सकूं, कुछ नई चीज़ें, नई जगहें जो होती तो हैं मगर लोग उसके ऊपर जो है ना तवज्जो नहीं देते। तो ये आप बस खूबसूरती देखो, ऊपर ग्लेशियर्स नज़र अगर आपको आ रहे हैं तो ऊपर ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ कुछ बच्चे हैं, इनको देखते हैं, ये नहा रहे हैं। खूबसूरत जगह, खूबसूरत खूबसूरत बेहतरीन मिट्टी है, और ये जा रहे हैं बच्चे, ये इसने मारी डाइव ज़बरदस्त। हेलो, कैसे हो तुम, तो डर रहे हो यार, कैसे, क्या नाम है तुम्हारा? ननाम सदे, ननाम सदे मंसूर। चलो, हाउ यू गाइस, कैसे हो, ठीक हो, कैसा पानी है, पानी कैसा है, ठंडा है, ठंडा है, ये चीज जबरदस्त। ये मेरा भाई ज़बरदस्त हो गया, और कैसा रहा, मज़ा आ रहा है, ठंडे पानी, स्विमिंग आती है तुम्हें सही से? भाई देखो बच्चे किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, और वादी इतनी खूबसूरत है यार, क्या मतलब यहाँ पे इंजॉयमेंट नहीं होगा तो क्या होगा। और बहुत यार बहुत मेरा भी दिल चाह रहा है मैं जाऊँ ज़रा
कूद जाऊँ अंदर, लेकिन जो है ना वो स्विमिंग नहीं आती, फिर तुम्हें ब्लॉग कौन दिखाएगा आकर। इसलिए तो अगर तुम लोगों को ये ब्लॉग वाकई पसंद आया हो तो भाई देखते रहो उसको आगे कंटिन्यू। मैं इसको और भी आवाज़ वक्त में दिखाता हूँ चीज़ें। हाँ तो भाई वो सीन ये है कि उस्मान भाई की आपने स्विमिंग देख ली थी, ये अभी इसी दरिया में स्विम कर रहे थे और इनकी वीडियोस मैंने स्लोमो में भी बनाई है, तो उस्मान भाई की स्विमिंग में आपको दिखा भी दूंगा अभी। और साथ साथ ये है कि उस्मान भाई आप बताएं कि आप ये इलाके का नाम क्या है। मेरा नाम उस्मान है, मैं दंदई से ताल्लुक रखता। अच्छा भाई इनका नाम उस्मान है, दंदई से ताल्लुक रखते, लेकिन मसला ये है कि यार इनको उर्दू ना इतनी अच्छी नहीं आती, अब इनको पश्तो आती है, अब ये जो भी बोलेंगे ना पश्तो में बोलेंगे। अब जो मेरे पश्तो व्यूवर्स हैं ना वो समझ लें, उर्दू वालों के लिए ट्रांसलेट कर दूंगा। हाँ भाई इस्मान में बताएं, पश्तो में बताएं, कितना मज़ा आया आपको तैरने में, मतलब पश्तो में बताएं। बहुत मज़ा आया, ये पश्तो में भी बहुत मज़ा आया भाई। चलो खैर बहरहाल तुम लोग डेरा मज़ा कही भाई, बहुत पश्तो में भी डेरा मज़ा कही। ये जो ना चरमार है यार। भाई उस्मान भाई के साथ बड़ा मजा आया, इन्होंने स्विमिंग करके दिखाई और इलाके के बारे में बहुत कुछ बताया। वीडियो में थोड़ा सा शर्मा रहे थे, लेकिन इस इलाके का नाम है दंदई और इधर ही ये दरिया बह रहा है। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, बच्चों के साथ भी बड़ा मज़ा आया, ये इन्जॉय इन्होंने किया खूब ज़्यादा, मैंने भी किया, लेकिन मैंने जो है ना वो वापस कपड़े वपड़े पहन लिए, वो दिखाने का नहीं होता ना समटाइम कुछ चीज़ें। दरिया बहुत गहरा था, अभी घर वालों ने अगर देख ली वीडियो तो फिर समझते हो ना, तो कुछ चीज़ें हाइड करनी पड़ती हैं। और बस आज जो है ना ये जो इस दरिया का जो व्लॉग है हम यहीं ख़त्म करते हैं। और उस्मान भाई देखें माशाल्लाह इनकी स्माइल कितनी खूबसूरत है, बस ये देखें। और वो जो है ना शर्मा रहा है दूसरा वाला, और ये भी शर्मा रहा है पता नहीं क्यों। और हम चलते हैं इस दरिया का व्लॉग, बस इतना ही है। लेकिन इस पर मट्टी देखें, मट्टी कितनी कोई खूबसूरत मट्टी है इसकी। और बस चलते हैं अब इधरिया पे, आगे वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे, सोचा है कि आज यहीं रुकेंगे, बिशाम नहीं जा रहे हैं। और अभी अगर उनका मूड बन गया तो फिर हम बिशाम जाएंगे और बिशाम में स्टे करेंगे फिर, क्योंकि इधरिया पे ना यहाँ पे थोड़े से हालात मुनासिब नहीं लग रहे हैं। अगर रुकेंगे रात में ना तो फिर खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो बस ये वजह है। और हम चलते हैं, उस्मान भाई टाटा कर दें ज़रा हमारी आवाम को और बता दें पश्तों में कि भाई आया करो, मज़ा किया बताओ क्या? बताओ ना पश्तो में कि तुम आया करो, मजा शजा किया करो, बताओ। सलाम वीडियो रो मजा के सी या 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 मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हो गया जो भी था। बस चलते हैं, चलो टाटा कर दो, चलो भाई हो गया अपना व्लॉग। और होप कि तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा, मजा किया होगा। अब ये पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन जो ना ये वीडियो ऐसे बना रहा है। अच्छा दूसरा ये था, ये भी अच्छा बच्चा है बहुत, लेकिन ना ये थोड़ा सा शर्मा रहा है। अब मसला पता क्या है, इसको उर्दू नहीं आती है, अभी बोला पश्तो में बात करूंगा, उर्दू में नहीं करूंगा, तो इसलिए थोड़ा सा शर्मा रहा है। तुम्हारा नाम क्या? जमाल। ये जमाल खान, जमाल खान है भाई, ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? जमाल खान है, सेवन क्लास में पढ़ता है, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है ये भी। मुझे तो फिर वही बोलूँगा, मैं तो इन्जॉयमेंट के लिए निकला हूँ और मुझे जो जगह मिलेगी जैसी जगह मिलेगी मैं तो सब जगह इन्जॉय करूँगा, ये सोच के निकला हूँ। और अगर तुम लोगों को ये नई जगह पसंद आई हो भाई, नया व्लॉग पसंद आया हो, नई जगह पसंद आई हो, तो भाई एक ही चीज़ है, रट्टा लगाया भाई, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन, ब्ला 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 समथिंग, डू यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डू भाई डू, प्रेस करो फटाफट। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं तुम लोगों से। बस मट्टी देखें आप, लग रहा है कि आप इस वक्त पाकिस्तान में, मट्टी देखें, ये दरिया यासीन जो मैंने आपको दिखाया अभी, बस मट्टी चेक करें और व्यू चेक करें, ये आपको लग रहा है कि हम पाकिस्तान में घूम रहे हैं भाई। बहुत खूबसूरत जगह है, लोग पता नहीं क्यों स्किप करते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, आप चेक करो, बस जगह चेक करो बस।
जगह चेक करो, क्या क्लास का व्यू है। चलने का टाइम, चलो भाई हो गया बस चलने का टाइम, और हम चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। और दरिया बसिन का जो ये व्लॉग था ये हो गया है हमारा डन। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी वो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी, वो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दी, और होप कि आप इस जगह को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, इस व्यूज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, और अपने भाई के चैनल को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और वो रही हमारी दो खूबसूरत सी बाइक्स, और वो रहा हमारा कई हफ्तों का सामान। तो भाई जैसा सोचा था अब तक बिल्कुल वैसा ही चल रहा है पाकिस्तान टूर, और होप कि अगर पाकिस्तान टूर कह रहा हूँ तो उसको पाकिस्तान टूर बना के दिखाऊँ। तो एंजॉय तो मैंने बहुत किया है, लेकिन आगे जो है ना ये क्या होता है वो देखते हैं। तो बाइक से पास पहुँच गए हैं, बस अब बाइक्स रेडी करेंगे और यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ, बिशाम की तरफ। और कैंपिंग का जो प्रोग्राम था वो हो सकता है कि हमारा कैंसिल हो जाए, क्योंकि अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैंपिंग करें या नहीं करें, तो डिसाइड नहीं हुआ है। 10 मिनट बाद इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा, लेकिन मेरा जो मुझे जो लग रहा है वो यही प्लान है कि हम यहाँ से निकलेंगे और बिशाम पे कैंपिंग करेंगे। ठीक है, तो भाई फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि हम जा रहे हैं बिशाम, और हम दरिया बसिन पे कैंपिंग नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे वही दोस्त जो मैंने आपको पहले दिखाए हमारे वीडियो में, तो ये भी हमारे साथ साथ यहाँ आए, गाड़ी खड़ी थी, गाड़ियाँ देखी इन्होंने, मज़े किए, इन्जॉय किए। अब हम जा रहे हैं बिशाम, और हमारा यहाँ स्टे करने का प्रोग्राम हो गया है कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं मिल रहा है हमको, और हमने बात की है लेकिन यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो किससे बात करें, तो अभी प्लान ये है कि या तो बिशाम जाएंगे या वापस बड़ग्राम से पहले एक गाँव है, या तो हम वहाँ स्टे करेंगे। अगर वहाँ स्टे करेंगे तो मैं वहाँ का ज़रूर बताऊँगा कि हमने कहाँ स्टे किया, बट फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए रोड रेंजर्स ऑफ पाकिस्तान, आपका दोस्त मोहम्मद हसनैन हैश। तो भाई को इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करें, और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह इसी वीक या नेक्स्ट वीक अपलोड करूँगा, तो वो देखिएगा, और हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छी जगह आपको दिखाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं। मुझे नहीं पता अभी मैं आगे क्या देखने वाला हूँ, लेकिन मैं जो देखूँगा वो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो भाइयों, बहनों, दोस्तों और सबको अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।